दिल्ली में तैनात देहरादून जिले के निवासी हवलदार रमेश सिंह गंभीर बीमारी के चलते जिंदगी की जंग हार गए। उनकी मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम पसर गया। जब उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा तो कोहराम मच गया, जहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अश्रुपूर्ण विदाई दी गई। दरअसल हवलदार रमेश सिंह 17 महार रेजिमेंट दिल्ली में तैनात थे। कल दिल्ली के आरआर अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर का आसन नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि जब पार्थिव शरीर घर लाया गया तो परिजन गमगीन हो गए। उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार, नायब तहसीलदार जीडी जोशी के साथ ही पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष निरंजन सिंह चौहान समेत सेना के पूर्व सैनिकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं एक्स हवलदार निरंजन चौहान गढ़वाल रेफल और पूर्व सैनिक पर्वतीय जनकल्याण समिति पछुआ दून का यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और मेरे पड़ोस में ही नायक रमेश राणा जी का परिवार रहता है और तकरीबन वह 2 साल से ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, बीमार थे और आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में उनका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद उनको बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। 6 महीने के लिए वो घर पे रहते थे यहीं पे और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उनको फिर दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद उनकी और तबीयत खराब हुई और उनका वहीं पे देहांत हो गया आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में। परिवार